नमस्कार स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में क्या डिफरेंस है। जी हाँ, इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में वादा किया था कि अगले वीडियो में मैं गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज के एजुकेशन सिस्टम और उसकी प्रैक्टिस में क्या डिफरेंस है, तो ये जानने के लिए आप मेरा वीडियो देखते रहिए। वैसे आप अगर लिस्ट पाना चाहते हैं इसकी, तो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन इसमें जाइए और वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, वहाँ से लिस्ट प्राप्त कर लीजिए। वहाँ पर आपको दोनों डिफरेंस पूरा पूरा पता लग जाएगा। तो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में एजुकेशन सिस्टम और प्रैक्टिस के डिफरेंस के बारे में जानने के लिए आप ये वीडियो देखते रहिए। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में क्या है कि प्रैक्टिस जो होती है क्लिनिकल की, वो बहुत अच्छी होती है स्टूडेंट की। इतनी अच्छी होती है कि बंदे का जो लेवल है बहुत अच्छा ऊपर चला जाता है। इतना अच्छा होता है कि प्रैक्टिस प्राइवेट में जो स्टूडेंट हैं उनसे बहुत अच्छी होती है, क्योंकि प्राइवेट में तो केवल थ्योरी पे बल दिया जाता है। हर स्टूडेंट को वहाँ पर एक दो महीने में नोट्स पढ़ा दिए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े, इतना उसके माइंड में घुसता नहीं होगा, उतना उसके थ्योरी के नोट्स पढ़ा दिए जाते हैं, जबकि उनके क्लिनिकल प्रैक्टिस पे इतना जोर नहीं दिया जाता। तो प्राइवेट जो कॉलेज है उसमें थ्योरी अच्छी पढ़ाई जाती है। अगर आपको अपनी थ्योरी अच्छी रखनी है तो आपको गवर्नमेंट में खुद को पढ़ना पड़ेगा। इसकी इसमें जो क्लासें होती है स्टूडेंट, वो इतनी नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए। और गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में प्रैक्टिस इतनी अच्छी होती है कि बंदे का लेवल बहुत अच्छा हो जाता है, मैच हो जाता है इस प्रोफेशन में आके। वो तो स्टूडेंट में तो प्रैक्टिस यानी कि अपनी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी तपन रूम पे कहीं भी बैठ के पढ़ लेंगे, इतनी दिक्कत नहीं है। दूसरी जो बात है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में, वो ये है कि गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में बाहर से एक्सटर्नल आते हैं, जो कि डॉक्टर होते हैं जिन्होंने MBBS किया हुआ होता है, MD किया हुआ होता है, SDM किया हुआ आता है, ऐसे लोग पढ़ाने आते हैं, तो कितनी बड़ी बात है। जबकि प्राइवेट कॉलेज में ऐसा नहीं है, प्राइवेट कॉलेज में ओनली BSc नर्सिंग वाला या फिर MSc नर्सिंग कर रखा हो ज़्यादा ज़्यादा, वो पढ़ा देते हैं। तीसरी जो बात है कि गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में स्टूडेंट आते हैं वो कंपटीशन पास करके आते हैं, वो ऐसे नहीं आते कि पैसे दिए और डायरेक्ट एडमिशन ले लिया प्राइवेट की तरह। तो गवर्नमेंट में कंपटीशन पास करके आते हैं तो अच्छे लेवल के अच्छे स्टूडेंट आते हैं, जिन्होंने शायद बहुत सी बार दो दो साल तीन तीन साल तक नीट की होगी, ऐसे स्टूडेंट आते तो माहौल अच्छा होता है कंपेयर टू प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज स्टूडेंट आते हैं वो डोनेशन पाते हैं कि डायरेक्ट एडमिशन पैसे दो और एडमिशन लो, ऐसा होता है। PCP में पासिंग होना चाहिए और उसको एडमिशन मिल जाता है, तो उस हिसाब से माहौल वहाँ ऐसा होता है। फैसिलिटी की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज में भी अच्छी फैसिलिटी होती है, सब स्टूडेंट को अच्छे रूम में हॉल में बैठाया जाता है, PPT में पढ़ाया जाता है, एनाटॉमी का एनिमेशन अच्छे से समझाया जाता है। PPT की सुविधा हर प्राइवेट कॉलेज में नहीं है, जबकि हर गवर्नमेंट में PPT की सुविधा है, ये भी आपके लिए बहुत बेटर है। गवर्नमेंट कॉलेज के जो स्टूडेंट है उनमें प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, उनकी लॉन्ग टाइम तक ड्यूटियाँ रहती है हॉस्टल में, तो अच्छा सीख पाते हैं। और उनको जो वहाँ के डॉक्टर्स होते हैं, वहाँ के स्टाफ होते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं कि गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज से आए, और सारा गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एसोसिएट होता है, जबकि प्राइवेट कॉलेज में ऐसा नहीं है, उनमें प्रैक्टिस बिल्कुल बहुत कम होती है, तो बच्चे की स्किल इतनी नहीं बन पाती जिनकी बनना चाहिए। अगली जो बात है कि गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में डोमेस्टेशन रूम प्रैक्टिकल रूम बड़े होते हैं, अच्छे होते हैं, वहाँ सारी सुविधा उपलब्ध होती है, अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ अवेलेबल होती है, तो स्टूडेंट अच्छा सीख पाता है। तो स्टूडेंट और बहुत सारे हैं ऐसे डिफरेंस जो कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर पूरी लिस्ट बनी हुई है, तो आप वहाँ जाके और भी बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, इसमें अभी पूरे डिफरेंस बताने बैठूंगा तो बहुत सारे निकल के आ जाएंगे, पूरा 15-20 मिनट का वीडियो हो जाएगा। वैसे मैं आपको और भी डिफरेंस निकाल के बता दूंगा कि इसमें और क्या है, और जो अगला वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज आर्टिकल से भी किस प्रकार अच्छा है कंपेयर टू प्राइवेट कॉलेज। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो आपको वीडियो मिल जाएगा और मेरे सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे स्टेप टू स्टेप, क्योंकि इसमें कोई फेक वेक नहीं है, जो रियल में है वो है।
तो अगला वीडियो ये होगा स्टूडेंट की आर्थिक रूप से किस प्रकार अच्छा है और जो की अपॉर्चुनिटी से भी किस प्रकार गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अच्छा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें ये ना ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज बुरा है, प्राइवेट कॉलेज भी अच्छा है, क्योंकि इसमें थ्योरी का जो है वो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अच्छा होता है, थ्योरी चिपड़ाई जाती है, तो थ्योरी क्या थ्योरी तो काम में आती है नहीं तो पेपर फाइट करने में। बस इतना डिफरेंस है कि प्राइवेट कॉलेज में अच्छी थ्योरी पढ़ाई जाती है, स्टूडेंट की 4 साल में अच्छी हो जाती है, जबकि गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में खुद को पढ़नी पड़ती है, बस इतना सा है, खुद को दिमाग लगाना पड़ता है, खुद को टाइम स्पेंड करना पड़ता है थोड़ा सा स्टूडेंट ऐसा है। तो स्टूडेंट आप एनी डाउट हो तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं, किस विषय पर वीडियो बनाना है, मैं आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दूंगा। आप कमेंट करोगे तभी तो मेरे को मालूम होगा कि क्या डिमांड है स्टूडेंट की। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।